नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। पवन खेड़ा का मामला तो आप जानते ही हैं, सुर्खियों में है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन एक किस्सा भी बताएंगे जो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है और उनको छुड़वाने के लिए विमान अपहरण कर लिया गया था। तो चलिए बताते हैं विस्तार से क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी पर की गई अनर्गल टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत भी मिल गई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के चलते गिरफ्तारी कोई नई बात तो है नहीं। इस खेल में सभी पार्टियां शामिल रही हैं। हाल ही में बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता बग्गा की पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और राजस्थान पुलिस द्वारा एक टीवी एंकर की गिरफ्तारी के लिए नोएडा में डेरा डालना भी चर्चा में रहा था। इस पर जो अलग बात है वह है प्लेन से उतारकर गिरफ्तारी करना। ऐसे में लोगों को यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि कांग्रेसी तो एक बार प्लेन तक हाईजैक कर चुके हैं, वो भी तब जब वो सत्ता में भी नहीं थे। ये सुनकर आपको हैरानी तो ही होगी, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। पहले तो ये जान लेते हैं कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी क्यों हुई। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम लेते वक्त उनके नाम में लगे उनके पिता के नाम यानी दामोदर दास मोदी की जगह गौतम दास मोदी बोल दिया था, लेकिन फिर उसमें सुधार करते भी कुछ व्यंग्यात्मक तीर उनके पिता के नाम को लेकर छोड़ दिया। और राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीएम के पिता को लेकर की गई टिप्पणी से बीजेपी और पीएम के समर्थकों ने काफी रोष जताया और पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी और असम के अलग अलग थानों में कुछ एफआईआर दर्ज हो गई। इसमें असम में दर्ज हुई एफआईआर के चलते पुलिस ने गुरुवार को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय गिरफ्तार कर लिया जब पवन खेड़ा कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने रायपुर जा रहे थे। कांग्रेसियों के प्लेन हाईजैक की कहानी भी उनके नेताओं की गिरफ्तारी से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन वो पवन खेड़ा की तरह छोटे नेता नहीं थे बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी थे। ये गिरफ्तारियां इमरजेंसी के बाद आई मोरारजी देसाई सरकार में हुई थी। वाकया 20 दिसंबर 1978 का है। कोलकाता से दिल्ली आ रहे प्लेन IC-410 ने जब लखनऊ से उड़ान भरी तो 15वीं पंक्ति से दो नौजवान उठे और फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, हमें पायलट कमांडर से कुछ जरूरी बात करनी है। ये घटना उस वक्त की है जब दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने में बस 15 मिनट ही बाकी थे। उसने कॉकपिट का गेट खोलकर पायलट से पूछना चाहा तो दोनों ने दरवाजा जबरन खोल दिया और थोड़ी देर बाद कॉकपिट से कमांडर पायलट MN बट्टीवाला की आवाज यात्रियों को सुनाई दी कि प्लेन हाईजैक हो गया। ये दोनों अपहरणकर्ता यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आजमगढ़ के भोला पांडे और बलिया के देवेंद्र पांडे। ये वही दोनों शख्स थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया। विमान में उस वक्त कुल 132 यात्री सवार थे। जब उन दोनों अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगे बताई तो लोग हैरान हो गए। उनकी मांगे थी जेल में बंद इंदिरा गांधी और संजय गांधी को फौरन छोड़ने की और उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेने की। उनकी कई और मांगे थी जिनमें एक प्रमुख मांग थी कि केंद्र की जनता पार्टी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनसे बात करने के लिए यूपी के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए। दरअसल इमरजेंसी में जेल जाने के बाद से ही चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से काफी नाराज थे और उनको जेल भेजकर बताना चाहते थे कि जेल जाने का दर्द क्या होता है। जनता सरकार में चौधरी साहब गृहमंत्री बने तो 19 दिसंबर को संसद द्वारा सदस्यता खारिज किए जाने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इंदिरा गांधी पर विपक्षी नेताओं को जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। बहरहाल इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले प्लेन को काठमांडू ले जाने की मांग की, लेकिन पायलट ने यह कहकर मना कर दिया कि प्लेन में इतना ईंधन ही नहीं है। इसके बाद पटना चलने को कहा गया। जब पायलट ने पटना जाने तक का भी ईंधन नहीं बताया तो अपहरणकर्ताओं ने प्लेन को वाराणसी ले चलने के लिए कहा। वाराणसी की बात पायलट ने मान ली। वाराणसी में प्लेन लैंड कर दिया गया। देश भर की मीडिया को खबर लग गई, वैसे ही जैसे पवन खेड़ा की खबर देश भर के लोगों को लग गई। फौरन तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी वाराणसी पहुंच गए। 21 दिसंबर को कोलकाता में संसद की विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन समीर गुहा के घर पर बम फेंक दिया गया। बंगलौर और हैदराबाद में भी कांग्रेसियों ने काफी उपद्रव मचाया। जिस वक्त यह हाईजैकिंग हुई संसद भी चल रही थी। अगले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की तरफ से आर वेंकट रमन और वसंत साठे ने कमान संभाली और दावा किया कि ये हाईजैकिंग नहीं बल्कि मजाक है। दिलचस्प बात थी कि उसी प्लेन में इंदिरा की पूर्ववर्ती सरकार के दो पूर्व मंत्री भी सफर कर रहे थे, AK सेन और धर्मवीर सिन्हा।
इसी बीच अपहरणकर्ता प्लेन में भाषण दे रहे थे कि जो अहिंसावादी हैं, गांधी जी की शिक्षाओं में यकीन करते हैं और नारे भी लगा रहे थे, संजय गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। उन्होंने लोगों को टॉयलेट तक करने से मना कर रखा था कि वो टॉयलेट तक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पूर्व कानून मंत्री ए के सेन से नहीं रहा गया तो वो उठकर बोले, अगर तुम्हें करना है तो मुझे शूट कर दो, मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ। पीछे का गेट खोलकर एक यात्री ने बाहर छलांग लगा दी। इधर अपहरणकर्ताओं की बातचीत सीएम राम नरेश यादव के साथ शुरू हो गई। उनके कहने पर कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ा भी गया। हालांकि इंदिरा गांधी के फैंस होने के ऐलान के बाद अब यात्रियों का डर काफी हद तक कम हो गया था। इससे पहले यात्रियों में काफी डर था क्योंकि प्लेन हाईजैक हो चुका था। इस बीच कुछ यात्रियों ने बंद प्लेन में दम घुटने और बदबू की शिकायत की। अपहरणकर्ताओं के कहने पर पायलट बट्टीवाला ने पीछे का गेट खोल दिया। मौका देकर उससे भी कुछ यात्री कूदकर भाग गए। कहानी में क्लाइमैक्स तब आया जब एक अपहरणकर्ता के पिता ही वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उन्होंने वायरलेस के जरिए अपने बेटे से अपील की। अपील का असर भी हुआ, वो परेशान हो गया और थोड़ी देर बाद दोनों अपहरणकर्ता प्लेन से बाहर भी निकल आए। बाहर आते वक्त वो भी इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दिलचस्प बात थी कि दोनों के पास जो पिस्टल थी वो नकली निकली और एक क्रिकेट की गेंद भी। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साल 1980 में जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आई, प्लेन हाईजैक करने वाले दोनों कांग्रेसियों पर दायर सभी केस इंदिरा गांधी सरकार ने वापस ले लिए और दोनों को ही पार्टी की टिकट भी दे दी गई। ये दोनों विमान अपहरणकर्ता कांग्रेस की टिकट पर कई बार यूपी से विधायक रहे और कई बार चुनाव लड़कर हार गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीवी एंकर के लिए पुलिस को नोएडा भेजने वाली कांग्रेस, बग्गा के लिए दिल्ली में पंजाब पुलिस भेजने वाली आम आदमी पार्टी, शर्मिला रेड्डी को गिरफ्तार करने वाली टीआरएस, ममता बैनर्जी के कार्टून पर प्रोफेसर को गिरफ्तार करने वाली टीएमसी जैसी पार्टियां पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का इतना बड़ा विरोध कर पाएंगी? कांग्रेस अब भी विपक्ष में है लेकिन तब वापस आने के आसार थे, सो प्लेन तक हाईजैक कर लिया गया, लेकिन क्या मोदी युग में वो ऐसी हिमाकत कर पाने का साहस दिखा पाएंगे? आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।